रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, लोगों की जांच भी एक दिन क्रेडिट कार्ड हमको दिलवाएगा। कहां तक तुम्हारे चेहरे का बदल दे हम पोजीशन, यह बच्चन पांडे का गंगा किनारे वाला पैसेज। बच्चन पांडे में जैकलीन के बाद अब किस बड़े एक्टर की एंट्री हो चुकी है, क्या होने वाली है बच्चन पांडे की खास बातें, कहां कहां इस फिल्म की शूटिंग हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज़, मैं हूं सोनिका जयाल। बच्चन पांडे से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स हाल ही में आई है, जैसे कि जैकलीन का नाम ऐड हो चुका है इस फिल्म में। इस फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, इसमें अक्षय कुमार होने वाले हैं, कृति सैनन होने वाली हैं और अक्षय कुमार इसमें गैंगस्टर का रोल निभाएंगे। वहीं कृति इस फिल्म में जर्नलिस्ट होंगी और जो कि डायरेक्टर बनना चाहती है, और अक्षय कुमार हीरो बनना चाहते हैं। और इसमें अरशद वारसी भी होने वाले हैं जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर का किरदार निभाएंगे, जो कि टपोरी एक्टिंग करता है, बहुत गंदी एक्टिंग करता है। इसमें कृति सैनन के साथ उनकी धमाकेदार सीन्स होने वाले हैं। और फिल्म की खास बातें ये हैं कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों ही कॉमेडी किंग है और एक फिल्म में इनको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। और अब एक और बड़ी खबर इससे जुड़ चुकी है, आपको बता दें दोस्तों, इसमें कालीन भैया की एंट्री हो गई है, यानी कि पंकज त्रिपाठी। और पंकज त्रिपाठी ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिनकी मौजूदगी अगर किसी भी फिल्म में हो तो वो चार चांद लगा देती है। साजिद नारियरवाला ने जो कास्टिंग की है वो बहुत सोच समझ के की है और पंकज त्रिपाठी वाकई हर फिल्म की वैल्यू बना देते हैं। जब से उनकी मिर्ज़ापुर रिलीज हुई है तब से उनका क्रेज़ अलग ही लेवल का है और इंडिया की ऑडियंस अब एक्टिंग का भगवान मानने लगी है पंकज त्रिपाठी को। आपको बता दें बच्चन पांडे की शूटिंग 6 जनवरी से शुरू होगी। इस फिल्म को जैसलमेर, जैसलकोट जैसी जगहों में शूट किया जाना है और एक शॉट में ये शेड्यूल होगा। जैसे कि अगर वो जनवरी से शुरू करेंगे तो फेब मार्च तक इसको एक साथ कंप्लीट करेंगे बिना ब्रेक के। साथ ही आपको बता दें कि मार्च मिड में रैप अप की घोषणा की गई है, यानी कि मार्च मिड तक ये फिल्म बनकर तैयार भी हो जाएगी। दोस्तों, स्टार कास्ट और कहानी के अलावा इसका म्यूजिक बहुत ज़्यादा दमदार होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा फिलहाल सॉन्ग जो कि धमाकेदार निकला था, इसका पार्ट टू भी बनने जा रहा है। तो इस गाने में काम करने वाले जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे जानी बी प्राग, वही इस फिल्म के गानों को म्यूज़िक देंगे। तो जहां गाने हो, कहानी हो, एक्टर्स हो, वहीं तो मज़ा आता है। यानी कि फुल पैक्ड ये फिल्म होने वाली है। अक्षय कुमार का एक लुक भी शेयर किया गया था और बहुत ही धमाकेदार और अलग लुक होने वाला है अक्षय कुमार का इस फिल्म में। फिल्म के सभी कलाकारों का तो पता चल गया, लेकिन जैकलीन और पंकज त्रिपाठी का क्या रोल होगा इस फिल्म में, ये देखने वाली बात होगी। आपको कितना इंतज़ार है बच्चन पांडे का और पंकज त्रिपाठी, जैकलीन, इन सब की केमिस्ट्री को देखने का कितना इंतज़ार है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड रिव्यूज़ के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।